स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा मैंगोंग और ब्लोमफोंटेन के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 4:30 बजे। तो हमने रिसेंटली देखा यहाँ पे 3 मैचेस की T20 सीरीज हुई थी और यहाँ पे व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर के ऊपर साउथ अफ्रीका को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉफी उठाई थी T20 के अंदर, पूरी टीम यहाँ पे स्माइल कर रही है। अब देखो इस मैच के अंदर आपको, और आप कह लो सीरीज के अंदर, बड़े प्लेयर्स वापसी करते हुए दिखेंगे। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेविड वार्नर, हेजलवुड, एस्टेनेगार वापसी करते हुए दिखेंगे, साउथ अफ्रीका में क्विंटन डीकॉक, हेनरिच क्लासेन, रबाडा, नोकिया, ये सब आपको यहाँ पे वापसी करते हुए दिखने वाला है। तो सबसे पहले सीरीज का अपन फिक्स्चर देखते हैं। 3 मैचेस तो अपने T20 के देख ही लिए है। अब देखो जो पहला और दूसरा ODI है ये 7 और 9 सितंबर को खेला जाएगा, एक दिन का ब्रेक होगा, सेम वेन्यू के ऊपर है, ब्लोमफोंटेन के ऊपर। फिर आप देखो 12 सितंबर को तीसरा मैच है, 15 सितंबर को चौथा ODI है, और फिर 17 सितंबर को इस सीरीज का लास्ट ODI मैच होगा, 5th ODI जोहान्सबर्ग के ऊपर। और आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 79 स्लाइड्स देखने को मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। आपको करना है क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपके सामने बेस्ट कंटेंट लाना। सबसे पहले अपन पिच रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे रिसेंटली 2023 के अंदर इंग्लैंड टूर ऑफ साउथ अफ्रीका हुआ था, 2 मैचेस यहाँ पे ODI के हुए थे, उसमें क्या हुआ था वो देखेंगे अपन। फिर अपन हेड टू नंबर्स देखेंगे, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, मैचेस और आखिरी के अंदर टेक्टिकल डेटा। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे हेल्प करेगी फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। अब देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फायदा क्या, मैं समझाता हूँ। टॉस होगा शाम के 4 बजे, मैच स्टार्ट होगा 4:30 बजे। इस आधे घंटे के अंदर जो भी मेरे को अपडेट मिलती है पिच के बारे में, फिर आप देख लो प्लेइंग 11 के बारे में, क्या हो सकता है, कितने बॉलर्स टीम में खेल रहे हैं, क्या टीम का कॉम्बिनेशन है, ये सब मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। मैंगोंग ओवल ब्लोमफोंटेन का मैदान है, बड़ा एक खूबसूरत ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच खेला गया था 29 जनवरी 2023 को। याद करो आपने देखा होगा यहाँ पे SA20 चल रही थी, बट SA20 के बीच में जो साउथ अफ्रीका T20 लीग थी उसके बीच में गैप आ गया था 10 दिन का। वो क्यों आया था, इस सीरीज की वजह से आया था। तो आप देखो 29 जनवरी को मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का। यहाँ पर 2 मैचेस हुए थे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के, पहला और दूसरा ODI यहीं पे खेला गया था। इस सीरीज में भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है इसमें भी पहले 2 मैचेस यहीं पे खेले जाएंगे। तो अब देखो स्कोरिंग पैटर्न आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था उसके अंदर इंग्लैंड की टीम ने 342 बनाया था, आप सोचो 7 विकेट गवा के। आपको लग रहा है कहाँ से चेस होगा, बट भाई साहब जो 342 का टारगेट था चेस हो गया 5 बॉल रहते। प्लेयर ऑफ द मैच बनता है टेम्पा बवुमा, शतकीय पारी खेली थी भाई ने, बहुत अच्छी इनिंग्स थी वहाँ पे और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई थी। अब देखें उससे पहले एक और मैच हुआ, ये भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था। इसमें साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने आती है, 299 का टारगेट देती है 7 विकेट गवा के। इंग्लैंड यहाँ पे चेस करने आती है, 271 पे 10 विकेट गवा देती है। प्लेयर ऑफ द मैच बनता है सिसांदा मगाला, 3 विकेट निकाले थे इन्होंने। हेनरिच क्लासेन ने 4 विकेट निकाला, तो भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला था सिसांदा मगाला को, क्योंकि उनका जो स्पेल था लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उससे पहले 333 बना 6 विकेट गवा के, टारगेट चेस नहीं हुआ। 222 बना, टारगेट यहाँ पे चेस हो गया 3 ओवर रहते। 367 बने, टारगेट चेस नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे 300 के आसपास स्कोर तो बनता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छी यहाँ की पिच रहती है, रन बनता है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही मैच हो रहा है। इट्स ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर कर रही है साउथ अफ्रीका के अंदर। बैटिंग फर्स्ट इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस जीते गए पिछले 5 मुकाबलों के अंदर, और चेस करते हुए सिर्फ 2 मैच जीता गया। साउथ अफ्रीका इस वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाती है, 5 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, सिर्फ 1 मैच हारी है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक बार खेली थी 2020 के अंदर और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हारी थी, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और जो लास्ट मैच था यहाँ पे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का 29 जनवरी को जो खेला गया था, दूसरा ODI मैच था, उस मैच के अंदर 8 विकेट निकाला था तेज गेंदबाजों ने, फास्ट बॉलर्स ने, और स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाला था। अभी आपको जो पूरा इस पिच का निचोड़ है ना वो समझना है, वो कैसे समझोगे, टेक्टिकल डेटा स्टैटिक्स को आप देख के। लास्ट 5 मैच के अंदर पेसर्स ने 52 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 23 है, दूसरी पारी के अंदर 29 है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जो टीम पहली गेंदबाजी करो आपके इसके फास्ट बॉलर्स भर लो, दूसरी पारी के भी फास्ट बॉलर्स आपको प्लान्स में रखना है, बिकॉज यहाँ पे उल्टा हुआ है। पहली पारी में 23, दूसरी पारी के अंदर 29, 6 विकेट ज्यादा सेकंड इनिंग्स में पेसर्स का। राइट आर्म पेसर का 34 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर के यहाँ पर 18 विकेट हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स भी गेम में आते हैं, जैसे पर्नेल आपको देखेंगे, मार्कोनी सेन देखेंगे, सामने स्पेंसर जॉनसन है, वो भी स्क्वाड के अंदर मौजूद है।
अब देखें स्पिनर्स ने यहाँ पे 25 विकेट निकाला है पहली पारी के अंदर। आप देख सकते हैं पहली पारी के अंदर 14 विकेट से स्पिनर्स का, और दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स ने 11 विकेट निकाले हैं। ऑफ स्पिनर्स का 13 विकेट, ऑफ स्पिनर्स बहुत की होते हैं यहाँ पर, लेग स्पिनर्स का 7, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 4 विकेट है। और मेरे हिसाब से पिच यहाँ पे बढ़िया रहेगी और स्पिनर्स को फेवर करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है जो अगले मैंने आपको देखने को मिलेगा वो होगा भारत के अंदर, वहाँ पे ट्रैक स्पिन होता है और आपको वहाँ पे स्पिन देखने को मिलता है। इस वजह से देखते हैं किस तरह से प्रिपरेशन करती है साउथ अफ्रीका की टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर। ये पिच आप देख सकते हो, ऐसी पिच यहाँ पर दिखी थी जब लास्ट टाइम मैचेस हुए थे, फ्लैट ट्रैक होता, हल्का सा ड्राई आपको देखने को मिलता है। ये देखें आप, वेल रोल्ड सरफेस, ना पिच पे ज़्यादा ग्रास, हल्के से आपको क्रैक्स दिखते हैं, एकदम आपको ब्राउनिश पिच देखने को मिलती है। इस स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं, सामने की बाउंड्री 80 मीटर से स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 72 मीटर देखने को मिलती है, बड़े डायमेंशंस हैं यहाँ पर। वेदर फोकस एकदम क्लियर है, बारिश के 0% चांसेस है, चाहे पहला ओडीआई को आप देखो चाहे दूसरे ओडीआई मैच को देखो। तो स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द स्टेडियम ऑफ ब्लॉमफोंटेन, कैसे लगे मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू भाई सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लास्ट अपडेट्स पिच रिपोर्ट की मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, लिंक नीचे है। न्यूज़ की बात करें, सीनियर प्लेयर्स लाइक कॉन्टेंट, डिकॉक, रबाडा, नॉकी, एंड्रिज क्लासन वापसी कर रहे हैं फॉर द क्रूशियल ओडीआई सीरीज। ब्रेसिस को मिडन कॉल अप है, सिसांदा मंगला डाउटफुल है, स्टीव स्मिथ बाहर हुए हैं, पैट कमिंस बाहर हुए हैं, मैक्सवेल को भी इंजरी है, एस्टन टर्नर, मानस लोभूषण टीम डेविड को स्क्वाड में बुलाया गया है। पैट कमिंस फ्रैक्चर हो चुका है, एवरेस्ट मिचेल मार्श लीड करेंगे इस टीम को, और क्या बखूबी लूट किया था भाई ने जो 3 मैचेस की T20 सीरीज थी। दोनों टीम्स ने लास्ट टाइम 2020 के अंदर हेड टू हेड खेला था ODI का, और 18 तक के दोनों ने 5 मैचेस खेले हैं 2020 से 18 के बीच में, और 5 आपको पता कौन जीती है, साउथ अफ्रीका। दिस इज अ शॉकर फॉर मी, बट लेट्स सी। साउथ अफ्रीका की जर्सी बदली है, अगर आपने देखा हो लोटो को, उन्होंने लोटो इनके अब नए वो बन चुके हैं शर्ट मेकर से, आप कह लो स्पॉन्सर्स, तो आप देख सकते हो ये इनकी नई जर्सी है। मेरे को एक ही फोटो मिली जिसलिए मैंने टेम्पा बोमा की फोटो लगा दी थी इंट्रो के अंदर, ये इनकी नई जर्सी है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फैंटेसी रिलेटेड नहीं है। क्विंटन डिकॉक टेम्पा बोमा ओपन करेगा, बोमा कैप्टनसी करता है ODI के अंदर। रेसी वन डाउन दिखेगा आपको, एडन माकाम, हेमरेज क्लासन, डेविड मिलर, वैन पर्नेल, रबाडा, एंड्रिज नॉकिया, ब्रायन फाउंटेन को जगह दी जा सकती है, 2 मिनट्स को यहाँ पे खेलने का मौका मिल सकता है जो कंडीशंस है उसके हिसाब से भी। शमशी भी आपको खेलता और दिखना चाहिए। एंगडी का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। मार्को निसेन है, गैल कॉटजिया है, ट्रिस्टन सब्स, डेविड ब्रेविसस, रिजा, केशव मगाला। ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड वार्नर ओपन करेंगे, फिर आएंगे मिच मार्श, मानस लोभूषण, कैरी, कैम ग्रीन, मार्कस टोनिस, एबॉट, नेथन एलिस, तनवीर सांगा, एजलवुड। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो ODI सेटअप के अंदर, या आप कह लो ODI फॉर्मेट के अंदर ऑलराउंडर्स को बहुत महत्व देती है। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1-2 साल पहले की अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज थी, ठीक है, मकाई के ऊपर जितना मुझे याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर इन्होंने इतने ऑलराउंडर्स लाए थे टीम के अंदर की पूछो मत। मैक्सवेल भी था वहाँ पे, सब थे, कैम ग्रीन, मार्कस टोनिस, सब थे, जितने ऑलराउंडर्स थे सब। तो ये टीम ऑलराउंडर्स को बहुत बैक करती है। एस्टन एगार खेल सकते हैं इंस्टेड ऑफ एबॉट, बट लेट्स सी क्या होता है। क्विंटन डिकॉक 23 मैचेस के अंदर 32 की एवरेज है, 699 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 32 कैचेस पकड़े, कीपिंग करते हैं, इसलिए इनके बताना जरूरी है इसने कितने कैच पकड़े हैं। एडवर्ड के अंदर 23 मैच में 32 कैच, 3 स्टंपिंग करी है। बैटिंग फर्स्ट 9 मैचेस में 250 रन से चेस करते हुए 14 मैच के अंदर 447 रन है। इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच खेला, 206 रन है, 69 की एवरेज है, 1 शतक है इस वेन्यू के ऊपर 4 इनिंग्स में। रिसेंट फॉर्म इसका अच्छा रहा है, इसने सिएटल ऑर्कस के लिए खेला था द मेजर लीग के अंदर, 87-88 नबार, 9-10-53-7-10-28-29 तरह से रहा फॉर्म। टेम्बा बवुमा 2 डक्स मिले थे इसको 3 मैच की T20 सीरीज के अंदर, हेड टू हेड के अंदर इसका 26 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अगर अपन इसके पूरा ODI के स्टैट्स उठा के देखते हैं तो बैटिंग फर्स्ट 39, चेस के ऊपर 72 की औसत है। इस वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 189 रन है, 47 की एवरेज है, 1 शतक है यहाँ पे 5 इनिंग्स के अंदर। रेसी इसने भी रिसेंटली यहाँ पे शतक बनाया था पहले ODI के अंदर, जो इंग्लैंड आई थी यहाँ पे जनवरी महीने के अंदर, पहले ODI में रेसी का शतक आया था, दूसरे में टेम्पा बोमा का आया था। 195 इनिंग्स की पारी आई है बैटिंग फर्स्ट, और ऐसे बैटिंग फर्स्ट में रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर ODI के अंदर। ये 5 मैचेस में 167 रन से 33 की एवरेज है इस वेन्यू के ऊपर, 1 शतक 5 इनिंग्स में। रिसेंट फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, 6-21-0-6-2 बैटिंग नहीं आई, 26-31-51-25-31। एडन माकरम अगेंस्ट द लेफ्टी बैटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बॉलिंग करने आ सकते हैं, पावर प्ले के जस्ट बाद भी ये उन पावर प्ले में आ सकता है। 4 मैचेस में 121 रन है, बैटिंग फर्स्ट 32-34, सिक्स के ऊपर 36-19 है। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 97 रन, 1 विकेट है,
और अच्छा प्लेयर है, पिछले दो मैचेस में बहुत अच्छे टेस्ट में दिखाता है। क्लासिन 6 मैचेस के अंदर 86 की औसत है। जी हाँ, ये प्लेयर ही ऐसा है, इसका फॉर्म आप उठा के देखते हो, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इन फॉर्म सबसे ज़्यादा कोई बैटर है तो हेनरिक क्लासिन है। 259 रन से बल्ले से, बैटिंग फर्स्ट 2 123 नाबाद, चेज के ऊपर 2 14 51 68 नाबाद। वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 109 रन है, 150 है यहाँ पे 5 इनिंग्स के अंदर। अलग अद्भुत अविश्वसनीय क्रिकेटर है ये। 18-46 नाबाद, 0-46-60, 18-1-110 ना, ये 40 ओवर के अंदर भी आ गया ना तो भी मैं कह सकता हूँ शतक बना के जा सकता है, ऐसा क्रिकेटर है ये। जी सीरियसली कह रहा हूँ मैं, नॉट फॉर द फन। मिलर 21 मैचेस के अंदर 59 की एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 713 रन, इस टीम को बहुत पसंद करता है। 12 कैचेस पकड़े हैं इसने, और फील्डर ये ऐसा है कि जो हॉटस्पॉट एरिया पे खड़ा रहता है जहाँ पे बॉल ज़्यादा आती है। बैटिंग फर्स्ट 8 मैच में 388 रन है, चेस के ऊपर 11 मैच में 325 रन है। इस वन के ऊपर 11 मैच में 404 रन है, 50 की औसत है, 4 कैचेस पकड़े हैं 5 50 से 10 इनिंग्स के अंदर इस वन के ऊपर। फॉर्म 26-5-24-1 नाबाद, 2-21-7 नाबाद 14। वेन पन्नेल का 13 मैच में 18 विकेटें, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 10 विकेट, 2 बार विकेट लेस गया है। वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 7 विकेट, 43 रन, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है, लेट्स सी कैसा योगदान देता है। रबाड़ा 10 में 19 विकेटें हैं, बल्ले से 36 रन है, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 6, लेकिन बॉल सेकंड के अंदर 5 मैच में 13 विकेटें हैं, 2 बार विकेट लेस गया है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 2-2-2-2-0-0-2-2-1-0-2-0 विकेट है। हेनरिक नोकिया 3 मैचेस में 6 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 2 विकेट है। इस मैदान के ऊपर 4 मैच में 10 विकेट निकाल चुका है, और फॉर्म इसका बहुत ख़राब था स्पेशली मेजर लीग के अंदर, 0-0-1-0-0-1-1। वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेला था और उनकी टीम बाहर भी थी मेजर लीग के अंदर, बिकॉज नोकिया नहीं चले थे। हेड टू हेड के अंदर बियॉन्ड 14 नहीं खेला। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 0 विकेट से, डिसेंट फॉर्म 2-0-0-1-2-2-1-0। शमची का 5 मैच में 7 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 3 विकेट, 1 बार विकेट लेस गया। वेन्यू के ऊपर कोई इफेक्टिव नहीं दिखा, 5 मैच में 3 विकेट है। एंगेडी 5 मैच में 13 विकेट हैं, भाई इसके स्टैट्स देखे लगता है इसको कैप्टन कर दो सीधा, बढ़िया भाई साहब का जो फॉर्म है ना खत्म है पूरा। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 9, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 4 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 8 विकेट हैं, बहुत अच्छा क्रिकेटर है बट फॉर्म इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मार्कोनी सेन हेड टू हेड नहीं खेला, इसको करेक्ट कर लेना, आई थिंक T20 का ही रह गया, हेड टू हेड नहीं खेला। वेन्यू के ऊपर 2 मैच के अंदर 32 रन 2 विकेट है। गलगोडजिया 4 मैच में 11 विकेट, बल्ले से 103 रन से, यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी भी इसने जड़ रखी है। ये खेलता है, टीम में इसको पक्का रखना, विकेट टेकिंग बॉलर प्लस ए गुड बैटर, बैटिंग करना जानता। स्टब्स का 1 मैच में 46 रन से, हेड टू हेड नहीं खेला। डल ब्रोसेस कुछ नहीं खेला। रिज एंड्रूस का 3 मैच में 68 रन से, हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट 8, चेज के ऊपर 44 और 16 है। वेन्यू के ऊपर 22 मैचेस में 770 रन से, कमाल का क्रिकेटर है, यहाँ पे बहुत क्रिकेट इसने खेली है। केशव 3 में 1 विकेट से, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 8 विकेट हैं। मगाला 6 मैच में 9 विकेट है, खेलेगा तो रख लो उसको। स्टार्टिंग और पर्नेल रबाड़ा, डेथर के अंदर नोकिया रबाड़ा। ट्रेविसेड 8 मैचेस में 150 रन से, 19 की औसत अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बैटिंग फर्स्ट 5 मैच में 62 रन से, चेस के ऊपर 3 मैच में 92 रन से 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म तीसरे और महत्वपूर्ण T20 के अंदर इस भाई ने 90 रन की इनिंग्स खेली थी, एक 91 की, मतलब बहुत अच्छी प्यारी इनिंग्स थी वो। वॉर्नर 23 मैचेस के अंदर 44 की एवरेज है, 1000 रन से अगेंस्ट दिस टीम। बैटिंग फर्स्ट 505 रन से, 13 मैच में 39 की औसत है। चेस के ऊपर आप देखते हो तो 10 मैचेस के अंदर 502 रन से, 50 की औसत है। ये 10 मैच हो गए इसको याद रखना है चेस के ऊपर। वेन्यू के ऊपर 35 रन किया था उसने बैटिंग फर्स्ट करते जब 2020 के अंदर सीरीज हुई थी। रिसेंट फॉर्म अच्छा, 86-46-54-0। मिच मार्श 17 मैचेस के अंदर 464 रन से, 8 विकेटें हैं और 31 की औसत है। बैटिंग फर्स्ट 13 मैच में 386 रन से, चेस के ऊपर 4 मैच में 78 रन है। आपने रिसेंटली देखा होगा जो ODI सीरीज हुई थी इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की, उसके अंदर जो अपने प्लेयर थे मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, बहुत अच्छी इनिंग्स वहाँ पे खेली थी ओपनिंग करते हुए इन द एब्सेंस ऑफ डेविड वार्नर। और एक मैच में तो डेविड वार्नर को मिडल ऑर्डर में खिलाना पड़ गया था मिचेल मार्श की वजह से। वेन्यू के ऊपर 36 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए देखते हैं इस मैच में क्या मिचेल मार्श ओपन करते हैं फिर 1 डाउन या 2 डाउन खेलेंगे। मानस लोभूषण का 3 मैच में 149 रन से, साउथ अफ्रीकन बॉर्न क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से प्रीमियर लीग स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था या कर दिया गया है आप कह लो, बट लेट सी। अभी यहाँ पे 3 बैक टू बैक शतक बनाता है तो कसम से कह रहा हूँ स्क्वाड में आ जाएगा ये। बैटिंग फर्स्ट 108-0, चेस के ऊपर 41 है। बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है और इसका जो एकमात्र शतक आया है इसके पूरे ODI करियर के अंदर वो इसी टीम के अगेंस्ट आया है।
वेन्यू के ऊपर 0 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वैसे मानस लोबिशन साउथ अफ्रीकन बॉर्न क्रिकेटर है, यहाँ पे जिसने अपना जन्म स्थान आप कह लो यहाँ पे जन्म अपना स्टार्टिंग बचपन बिताया है। कैरी का 7 मैच में 33 के औसत 223 रन से बैटिंग फर्स्ट, 4 मैच में 101 रन है, बट चेस के ऊपर 3 मैच में सीधा 132 रन है। अच्छा प्लेयर है, चेस पे असिस के औसत 44 की, बैटिंग फर्स्ट में 33 के औसत है। इस वेन्यू के ऊपर 21 रन था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। कैम ग्रीन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू भी नहीं खेला, फॉर्म 30 रन, 41, 101 नाबाद, 4 नाबाद, 3 नाबाद, 2 नाबाद, इस तरह से रहा है। स्टोइन्स का 4 मैच में 101 रन, 8 विकेट हैं, जिस फॉर्म से भी बॉलिंग कर रहे हैं ये अनड्रॉपेबल प्लेयर है। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 6 विकेट, एक बार विकेटलेस गया बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग फर्स्ट 14-2, चेस के ऊपर 63 एंड 22। वही बयां करते हैं आपको इसके ODI फॉर्मेट के नंबर्स। बैटिंग फर्स्ट 21 के औसत, चेस के ऊपर 43, और चेस के ऊपर आप देखो 63 एंड 22 किया है। फॉर्म कमाल का है इस बंदे का। एबर्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इनके पास अच्छा कंट्रोल है बॉलिंग के अंदर, हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला। एलिस डेथ और स्पेशलिस्ट है, ट्राई कर सकते हो आप, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट वाली कंडीशन में थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। तनवीर संगा 1-4-3 अच्छी गेंदबाजी करता है, देखते हैं इस मैच में खेलेगा या नहीं। हेजलवुड का 11 मैच में 20 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 4, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 16 विकेट हैं। जो मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया, हेजलवुड वाइल बॉलिंग सेकंड बहुत ज़्यादा डेडली होता है जब टारगेट सेट होता है और हेजलवुड बॉलिंग करने आता है। 2 बार विकेटलेस गया, फॉर्म 0-1-2-1। एरन आरडी हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म नीचे देख सकते हो। एगार का हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 9 रन प्लस 0 विकेट है, सेम इसी वेन्यू के ऊपर आया था बॉल सेकंड करते हुए। फॉर्म 17 रन 2 विकेट, 26 रन 5 विकेट, ये सीरीज थी अगेंस्ट इंडिया, पंजा 2 विकेट निकाला था आई थिंक तीसरी ODI के अंदर चेन्नई के अंदर, 17 रन बना रखे, अपनी टीम में भी था और अपना वन साइडेड गेम इसी वजह से गया था। टिम डेविड का आप देख लो फॉर्म, जॉश इंग्लिश भी शायद ही खेलेगा, जैम्पा कुछ शायद रेस्ट दिया जा सकता है। 12 मैचेस में 10 विकेट है, टुडे के अंदर बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 9 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट बॉल सेकंड है। स्पेंसर जॉनसन, एस्टन टर्नर स्टार्टिंग और हेजलवुड एबॉट, टेटर के अंदर एबॉट, हेजलवुड तनवीर सांगा खेलते हैं। तो डीकॉक वर्सेज स्टोनिस, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया मार्कस स्टोनिस ने, क्विंटन डीकॉक को 13 बॉल में 19 रन दे गए, ये भी नहीं गेंद पकड़ सकते हैं ऐसे मूड हुआ तो। स्टोनिस जैम्पा के सामने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 37 बॉल में 64 रन है। हेजलवुड ने तो इनको 16 इनिंग्स में 9 बार आउट किया, दिस इज अ बिग बैटल, 117 बॉल में 95 रन दे गए। टेम्बा बमो वर्सेज स्टोनिस, 3 बॉल में 2 बार आउट किया 2 इनिंग्स में। एडन माक्रम वर्सेज एबर्ट, 20 बॉल 31 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। रेसी की बात करें, रेसी का मैचअप बनता है एबर्ट के सामने, सेम वही एडन माक्रम का है, 9 बॉल 12 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। क्लासेन वर्सेज स्टोनिस, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 9 बॉल में 5 रन दे गए। जैम्पा ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 59 बॉल में 52 रन दे गए। किलर मिलर वर्सेज स्टोनिस, 54 बॉल 68 रन 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। जैम्पा ने 117 बॉल में 130 रन दे गए, 12 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। मार्को निसेन वर्सेज तनवीर सांगा, ट्रिस्टन शिप्स वर्सेज आप देख सकते हैं, ये सब प्लेयर्स मेरे हिसाब से हाई चांसेस के नहीं खेलेंगे। रिजा वर्सेज स्टोनिस, 22 बॉल 16 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। ट्रेविस हेड वर्सेज रवाड़ा, दिस इज द बैटल, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 28 बॉल में 24 रन दे गए। डेविड वॉर्नर वर्सेस कोई खास मैचअप मुझे लगा नहीं, हेनरिच नोकिया ने इसको 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 73 बॉल में 102 रन दे गए। लुंगी एंगडी ने 39 बॉल में 41 रन दे गए, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। रबाड़े ने 22 इनिंग्स में 5 बार आउट कर रखा, परनेल ने 14 इनिंग्स में 5 बार आउट किया। वैसे रेड जोन में है हल्के से वॉर्नर बट इतने नहीं। मिच मार्श वर्सेज एंगडी, 43 बॉल 68 रन 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। रबाड़ा ने इसको 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 35 बॉल में 67 रन देके। परनेल ने 38 बॉल में 30 रन देके, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। तो इसका स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ परनेल के सामने है और ODI के अंदर ये 19 इनिंग्स में 8 बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसा हुई है। मानस लोभूषण वर्सेज केशव, 54 बॉल 49 रन 1 बार आउट हुआ। एंगडी के सामने 8 बॉल में 4 रन है, नोकिया के सामने 5 बॉल में 5 रन है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैरी, कैरी वर्सेस एंगडी, 7 इनिंग्स में 2 बार, रबाड़ा ने 6 में 2, शमशेर ने 6 में 2। स्टोनिस वर्सेस गर्ल कॉट्जिया, 1 बार आउट किया है और कोई खास मैच मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं कुछ टेक्टिकल डेटा की तरफ, टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर्स को कैसा खेलिए 2021 से लेकर अभी तक जितने ODI के मैचेस हुए हैं। तो पहले बात करता हूँ मैं साउथ अफ्रीका की, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने 17 मैच में 29 विकेट दिया है और 36 की औसत है, 37 की गलो 36 गलत होगा बोलना क्योंकि 36.9 है। वहीं देखते हैं दूसरी टीम क्या है, यह साउथ अफ्रीका हो गई और फिर ऑस्ट्रेलिया ये रही, 14 मैच में 27 विकेट दिए है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, 26 की औसत है, ज़्यादा बेटर साउथ अफ्रीका ने खेला है लेफ्ट आर्म पेसर्स को।
लेग स्पिन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया 15 मैचेस में 32 विकेट दे चुकी है लेग स्पिनर्स को, बट कोई लेग स्पिनर है नहीं साउथ अफ्रीका के पास। और साउथ अफ्रीका अगेंस्ट लेग स्पिन 20 मैच में 23 विकेट दिए, ठीक ठाक खेला है, 46 की एवरेज है। ऑफ स्पिन की बात करें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 22 मैच में 32 विकेट दिया है, 37 की औसत है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहाँ गई ऑस्ट्रेलिया, ऑफ स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, 16 में 13 विकेट दिया, 48 की एवरेज है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स वर्सेस साउथ अफ्रीका देखते हैं, 16 में 19 विकेट दिया आप देख सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के पास खुद दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स है, केशव और बियॉन 14। तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 मैच में 27 विकेट दिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को। चाइनामैन की बात कर लें, चाइनामैन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 3 इनिंग्स में 4 विकेट दिया। तो साइन अप कर सकते हो विजिलेंट के ऊपर, फ्री के अंदर आपको ₹500 साइन अप बोनस मिलता है। हर गेम के अंदर आपको यहाँ पर गिव अवेज देखने को मिलता है, कम से कम 20 से 50,000 तक नॉर्मली, बड़े गेम्स तो इंडिया वाले मैचेस में ₹1,00,000 का भी गिव अवे देखने को मिलता है। तो साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंटर फीस बहुत कम कंपेयर टू द एप्स। कॉमन कैप्टन मार्कस स्टोनिस, मिचेल मार्श, अलग जाना तो एडन माकरम है, रबाडा है, नोकिया रेसी भी बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, इवन टेम्बाकू भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। 1 मिलियन का मिशन देखते हैं कब तक पूरा होता है, दिल्ली बहुत दूर है बट मैं सपना देखना छोड़ूंगा नहीं। मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, स्टैट्स सूर्य नाम से आप स्टैट्स जाके चेक कर सकते हो, जोड़ी में सब बताएं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टीम्स की बात करते हैं फटाफट, तो फिलहाल मैंने कैप्टन मिच मार्श को किया, बट मैं सीरियसली कहूँ आपसे इस गेम के अंदर आप स्टोनिस के साथ कैप्टनसी जाइए, बिकॉज स्टोनिस बॉलिंग करेगा, जिस फॉर्म में स्टोनिस चल रहा है हाई चांसेस है कि आपको इजिली 7 से 8 ओवर बॉलिंग करके दे सकता है। और इसको साउथ अफ्रीकन विकेट्स के अंदर जो विकेट बहुत हार्ड होते हैं साउथ अफ्रीका में, इन पे इसको बाउंस मिलता है। अगर आप पूरे मैचेस देखे हो 3 मैचेस T20 सीरीज के, तो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा स्टोनिस जब बॉल को हिट करते हैं डेक के ऊपर, विकेट के ऊपर, इनकी बॉल रेस करती है, चढ़ती हुई आती है छाते की तरफ, ये एडवांटेज है। लबुशेन बस मैंने वो फैक्टर को बैक किया, साउथ अफ्रीकन बॉर्न क्रिकेटर, रेसी इंपॉर्टेंट है, टेम्बा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर पहला और दूसरा ODI मैच होता है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, टेम्बा ने दूसरे मैच में शतक बनाया था, पहले मैच में रेसी ने यहाँ पर शतक बनाया था। क्लासन को बैक किया और क्विंटन डिकॉक, बहुत बड़ा रिस्क का वॉर्नर है यहाँ पे, मिच मार्श, एडन माकरम, रबाडा, हेजलवुड और एंडिश नोकिया। आप देखो अलग क्या कर सकते हो, कीपिंग में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कैरी, डीकॉक, हेनरिस क्लासन तीनों खेलेंगे, बट लेट्स सी क्या होगा। कैरी थोड़ा नीचे खेलता बस वही है, बट रिसेंटली अपने देखा है 1 साल के अंदर एलेक्स कैरी को थोड़ा ऊपर पुश किया गया बैटिंग ऑर्डर के अंदर ODI के अंदर, कई बार तो 2 डाउन भी खेला है, कई बार 3 डाउन खेला है मोस्टली। डीकॉक आपका कॉल है, बस हेजलवुड स्टोनिस का थ्रेट है यहाँ पे, रेसी इंपॉर्टेंट, टाइम बाय इंपॉर्टेंट है यार, डेविड मिलर को कुछ इसमें ट्राई करना, 10 इनिंग्स में इस वेन्यू के ऊपर 5 50s है। वॉर्नर लेट्स सी कैसा खेलता है, ट्रेविस हेड है आपका लास्ट मिनट कॉल रह सकता है, स्टोनिस को लिया मैंने, लबुशेन को लिया हुआ है। चलते हैं ऑलराउंडर के अंदर अच्छे विकल्प है, मिचेल मार्श, एडन माकरम, मैं पर्नेल को लेके जा सकता हूँ बॉलिंग फर्स्ट में, और कैम ग्रीन इस टीम का 5th बॉलिंग ऑप्शन होता है, 4th बॉलिंग ऑप्शन तो टीम में रखूंगा। स्लो विकेट रहा तो बियॉन 14। रबाडा इंपॉर्टेंट, पैट कमिंस मेरे को लगता नहीं मौजूद है, हेजलवुड इंपॉर्टेंट, नोकिया इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पिक्स लग रहे हैं। देखते रहिए स्टैट्स, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर शाम के 4 बजे। जय हिंद।